फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं चैनके के बारे में। तो चैनके का टी सीरीज के बारे में बात करते हुए कहना है, आई बिलीव वी कैन स्टार्ट अ मूवमेंट टू डिस्करेज टी सीरीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग आइटम नंबर्स एंड स्टॉप द न्यूडिटी इन म्यूजिक वीडियोस। रिमेंबर फॉर मेनी दिस इज एंटरटेनमेंट बट फॉर मी दिस प्लेटफॉर्म इज अ वे टू रेज अवेयरनेस। तो अब बात कर लेते हैं तला अंजुम के बारे में। तो तला अंजुम और उमेर की घोस्ट एंड गुड बाइज ईपी के स्माइल ट्रैक की म्यूजिक वीडियो ड्रॉप हो चुकी है। तो इस म्यूजिक वीडियो को हनी आमिर ने शेयर किया है एंड हनी आमिर का तला अंजुम और उमेर को मेंशन करते हुए कुछ ऐसा कहना है। तो हनी आमिर की स्टोरी को तला अंजुम ने भी शेयर किया। इसके अलावा वायस का 12 अक्टूबर को कराची में एक शो होने वाला है। तो इस पर तला अंजुम का कहना है, कराची मेरी जान, सी यू ऑन 12 अक्टूबर। एंड वायस का 21 अक्टूबर को लाहौर में भी एक शो होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं फरहान खान के बारे में। तो फरहान खान का अपनी अपकमिंग एल्बम अलिफ लैला के बारे में बात करते हुए कहना है, जानता हूँ हर आर्टिस्ट अपने गाने और एल्बम से पहले ये कहता है, लेकिन इंट्रो से आउट्रो तक अलिफ लैला एक फिल्म है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिक्चर के आखिर तक मैं तुम्हें अपनी कुर्सी पर बैठे रहने के लिए मजबूर कर दूं, शुक्रिया। तो अब बात कर लेते हैं फादी के बारे में। तो फादी की तरफ से 2 सॉन्ग्स आने वाले हैं। फर्स्ट ट्रैक का नेम है गुड बाय, सेकंड ट्रैक का नेम है लैपिटेन। तो इस पर फादी का कहना है, कौन सा पहले चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं यंग गालिब के बारे में। तो यंग गालिब ने अपने नेक्स्ट ट्रैक का कुछ ऐसा स्निपेट शेयर किया है। डेली में न्यूज पे आमे बात, मिलियन में व्यूज ये आमे बात, पैरों में शूज लाख के बाद देखे नो द फूल वो दाम में बात। तो अब बात कर लेते हैं तला अंजुम और हाशिम इसहाक के बारे में। तो हाशिम इसहाक ने तला अंजुम को हग करते हुए एक पिक्चर शेयर किया है। तो इस पर हाशिम इसहाक का कहना है, लेजेंड हु बिलीव्ड इन मी व्हेन नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डिड। इसके अलावा हाशिम इसहाक ने तला अंजुम की कुछ पुरानी पोस्ट शेयर की है जिसमें तला अंजुम ने हाशिम इसहाक को अप्रिशिएट किया है, जिसमें तला अंजुम ने ये भी रिवील किया है कि हाशिम इसहाक उनके फेवरेट आर्टिस्ट है। तो अब बात कर लेते हैं पैंथर के बारे में। तो आपको पता होगा कि रतन टाटा की डेथ हो चुकी है। तो इस पर पैंथर का कहना है कि उन्होंने 2 हफ्ते पहले एक ट्रैक लिखा है जिसमें उन्होंने रतन टाटा को शाउट आउट दिया है। अभी जस्ट आई जस्ट हर्ड कि मतलब रतन टाटा जी जो हैं वो ही हैज पास्ड अवे। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। और अभी लिटरली 2 हफ्ते पहले आई जस्ट रोट अ सॉन्ग जिसमें मैंने उनको शाउट आउट दिया है कि ही इज अ लिविंग लेजेंड। इट्स नॉट अबाउट द सॉन्ग प्रमोशन, इट इज अबाउट मतलब हम सब जितने भी इंडियन हैं उनकी एक भावना जुड़ी रहती थी हमेशा से ही उनसे, बिकॉज व्हाट ही हैज डन फॉर द नेशन। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और कीप हिम इन योर प्रेयर्स। पता नहीं मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। शो लव टू पीपल व्हेन दे आर अलाइव, शो लव टू पीपल व्हेन दे आर अलाइव। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।